ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन है ना, देखो आप कह रहे हैं जो नई बुक आई है वो हो गया है रैशनलाइज्ड, सॉलिड स्टेट खत्म पूरा, ठीक है ना, नई बुक में ही नहीं है। एनसीईआरटी बुक है ना, वो फिर से हुआ है रैशनलाइज। अगर आप नई बुक लोगे ना तो आपको मिलेगा पहला चैप्टर सॉल्यूशन, सेकेंड कौन सा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड कौन सा हो गया है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद पहले था कौन सा सरफेस केमिस्ट्री, अब कट गया खत्म, फिर था मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो कार्ड करो ने हटा दिया, पी ब्लॉक वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक ये हमारे कोर्स में है, फिर हमारे पास क्या उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। देखो, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंस, मतलब कि हम अपने दैनिक जीवन में ना बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को देखते हैं। मान लो आपने फोन देखा, घर में दाल वगैरह खाते हुए ना, सब सारी जो सब्सटेंस है वो, जैसे ये मान लो पहले ये क्या है, देखो ये पानी में शुगर मिला रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है कुछ अलग सब्सटेंस है। जब देखो बादल है ना, दिख रहा है ना, पहले आप इसको देखो ध्यान से और आइडेंटिफाई करना फिर क्या है, ये टूथपेस्ट है ना, और फिर क्या आ गया इधर सिरिंज लग सकता है किसी को, फिर कौन आया बताओ बैंड बाजा, ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आगे देखो, यानी मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर, कह रहा है अधिकतर सब्सटेंस जो आप देखते हो अपने आसपास वो सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होता है ना। मान लो स्टील है, वो मिक्सचर है, क्या है वो आयरन और उसका निकिल का मिक्सचर होता है। एक आता है ब्रॉन्ज, नाम सुना है ब्रॉन्ज, मिलता नहीं है उसमें कॉपर और ये ना चीजें और भी आयरन, ये सब मिक्स होते हैं, तो वो क्या हो गया ब्रॉन्ज हो गया। तो ये सब मिक्सचर होते हैं जो अपने रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं आसपास के सबस्टांस, कुछ तो होते हैं मिक्सचर, कुछ होते हैं प्योर सबस्टांस का मिक्सचर। देखो तो ये कहना चाह रहा है, कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर सॉल्यूशन, आपने अभी जो उसमें देखा उनमें कौन कौन सॉल्यूशन था आप उसका पता लगा सकते हो। देखो ये क्या है हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है बताओ, ये सॉल्यूशन है, क्या है ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या देखो ब्रास, वो ब्रास जो मैंने भी नाम लिया था ब्रॉन्ज ब्रास है ना, ये भी मिक्सचर होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है। अच्छा देखो इस पे फुल स्टॉप लगा रखा है ना, बताएंगे अभी आगे तक इसमें क्या क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअली ये मिक्सचर होता है, तो ये होता है सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे आगे, देखना एयर यहां भी लग गया फुल स्टॉप, बताएंगे अभी आगे कि क्यों ऐसा नहीं है। ऑल थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों के क्या है सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो ये भी हो गया ना, पहले इसने आपको डाउट में रखा, भाई ये तो सब सबको मालूम है कि ना है ये सॉल्यूशन, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन इस पर डाउट छोड़ रखा था उसने। ये होता है अलॉय, और ये आप लोग जानते हो ये भी मिक्सचर है, इसमें क्या होता है स्मोक, अलग अलग वो होते हैं इसमें गैसेस होती हैं, कार्बन डाइसल्फाइड गैस होता है, मोनोऑक्साइड है ना, सब गैसों का मिक्सचर। अब देखो इसमें क्या है, तो व्हाट आर सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन है क्या, तो होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांस या टू कंपोनेंट, होमोजीनियस होना जरूरी है, होमोजीनियस होना दो या दो से ज्यादा सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं, दो या दो से ज्यादा। अब अगर दो ही कंपोनेंट है, मान लो नमक और पानी, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और अगर आपने नमक पानी और चीनी तीनों मिक्स कर दिया, अब हो गए तीन कंपोनेंट, तो उनको हम बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन, क्योंकि नमक पानी और चीनी तीनों घुलकर क्या बनेंगे होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेंगे, तो वो होमोजेनस है सॉल्यूशन है लेकिन टर्सरी है। अगर आपने केवल पानी लिया और नमक लिया तो बनेगा होमोजेनस सॉल्यूशन, या फिर अगर आपने ओनली क्या लिया पानी और चीनी तो भी बनेगा होमोलोगस सॉरी होमोजेनस मिक्सचर, ये भी क्या है सॉल्यूशन है लेकिन दो कंपोनेंट है, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, उसमें हर एक कंपोनेंट
सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसियस स्टेट में हो सकता है। समझ आया? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अब आप ये समझो, देखो वहां पे व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, दोनों कंपोनेंट या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। मतलब यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है कि मान लो अगर हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या बताओ पानी है, और पानी के अंदर मैं मिक्स कर दूं शुगर सोल्यूशन, शुगर मिक्स कर दिया मैंने, मान लो शुगर क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व होने के बाद में चाहे आप एक चम्मच वाटर यहां से लेकर पियो तो भी उतने मिठास होगा, चाहे यहां से पीना, सोल्यूशन में क्या होगा, मिठास दोनों में सेम। इसका मतलब यह हुआ कि जो शुगर है इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, थ्रू आउट द सोल्यूशन डिजोल्व हो गया है ना, यूनिफॉर्मली आप कह सकते हो। तो ये हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब ही हुआ, ठीक है ना। अब देखना आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिखो, ठीक है ना, सॉल्यूशन गेरो हेडिंग है ना, और उसमें आप नोट्स बनाओ फटाफट से। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। हेडिंग में पहले ये लिखो जल्दी से, फिर लिखो हेयर ईच कंपोनेंट मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हो, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो तो एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी कौन से होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट हो, है ना। द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ Only two component, यानी केवल दो ही component वाले homogeneous mixture अगर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, binary solution। Example अगर हम इसका देख लें तो मान लो water plus sugar है ना, या फिर आप बात कर सकते हो water plus salts, salt में खासकर कौन सा, common salt, ठीक है ना। वैसे और भी बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं नहीं, इसमें आपके ये एग्जांपल होंगे। और अगर कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया, देखो एक होता है हमारे पास टर्सरी सॉल्यूशन, तो ये कौन से होते हैं, देखो ध्यान से, टर्सरी सॉल्यूशन होता है द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ only three component। अगर तीन component हो गया तो आप उसको बोलोगे tertiary solution, ठीक। चार हो गया तो quaternary, ठीक है ना, ऐसे आएंगे। लेकिन हमारे कोर्स में केवल 12th बेस पे NCERT में दो ही हैं, binary और tertiary, उसमें भी हमको केवल पढ़ना है पूरे चैप्टर में किसको, बाइनरी सॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पूरे इसमें बाइनरी, ठीक है ना, इसको लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, और हम उसे डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में। सॉल्यूशन की अगर तुम करोगे बात तो इसके दो पार्ट होते हैं, कितने होते हैं बताओ, दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब मैं यहां पर एक वर्ड यूज करने वाला हूं जनरली, सॉल्यूट होता क्या है, जनरली का मतलब हमेशा नहीं, जनरली मतलब 90% केस में सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो लेस अमाउंट में होता है या जो डिजॉल्व करते हैं, है ना। जनरली सॉल्यूट इज द सब्सटेंस which are present in less amount, यहां ध्यान रखना मैंने वर्ड यूज किया जनरली, हमेशा नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, लेस अमाउंट। और सोलवेंट कौन होता है, जनरली फिर से यूज करते हैं,
द सबस्टांस इज विच आर प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, जनरली 90% केस में ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास 500 ml वाटर है, चलो हम पहले ग्राम में ले लेते हैं ना, 500 ग्राम वाटर है प्लस में 50 ग्राम शुगर ऐड कर देता हूं, शुगर ऐड किया हमने कितना 50 ग्राम, तो मुझे जो मिलेगा सॉल्यूशन, ये हमको मिलेगा सॉल्यूशन, ये हमें जो भी अमाउंट मिलेगा मिलेगा। आप यहां बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो गली का बच्चा बच्चा इसको देखते ही बोलेगा कि ये तो हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, लेस अमाउंट में सब दिख रहा है ना, देख कर कोई भी पहचान देगा इसको। चलो आ जाओ, अब मैं अगर वाटर और शुगर दोबारा से वही लेता हूं एग्जांपल में, इस बार मैं कर दूंगा इसको कितना 600 ग्राम और इसको मैं कर दूंगा 800 ग्राम ठीक। अब जो बनेगा सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, अब यहां पर देखने से पता चलता है कि ये ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो सॉल्यूट होगा, अधिक है तो सॉल्वेंट होगा, है ना, ऐसा अभी तक की डेफिनेशन से पता चल रहा है ना, लेकिन गलत, ये हमारा अभी भी सॉल्वेंट है कम होने के बाद भी, और ये हमारा क्या है सॉल्यूट अभी भी है। अभी करते हैं इसको एक्सप्लेन कि क्यों है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, डिफरेंट है बिल्कुल, देखो हाँ, क्योंकि वॉटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, वो डिजोल्व करता है, वो हमेशा डिजोल्व करता है, ना कि चीनी पानी में घुलता है, चीनी पानी में घुलता है लेकिन पानी चीनी में नहीं घुलता है ना, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हमारा सॉल्यूट अभी भी है, 600 ग्राम वाटर में जितना डिजोल्व हो सकता था उतना हो जाएगा, बाकी 200 ग्राम बचा रहेगा ना, सूखा पड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है, जितना डिजोल्व हो सकता है, जब डिजोल्व करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी किसकी, वाटर की, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन हो गया सैचुरेट, क्या हो गया सैचुरेशन बोलते हैं उसको ना। आप देखो एक वो ले लो गिलास, गिलास नहीं कटोरी बबल है ना जो भी हो, उसमें पानी गिर लो, आटा डालकर घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, एक समय ऐसा आ गया जब आटा घुलना बंद हो जाएगा, और आटा डालते ही आटा ऊपर ही रखा रहेगा ना, क्या घुलेगा नहीं, वो सैचुरेट हो चुका होगा, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होगा तो अभी भी ये सॉल्वेंट है। अब देखो ध्यान से, यहां जो सॉल्यूशन बना था उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, यहां पर लिक्विड स्टेट में था फिजिकल स्टेट, हां लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में था सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, है ना, और यहां पर भी लिक्विड ही बनेगा यहां पर भी, तो सॉल्वेंट की सुनो डेफिनेशन, सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है ना, ये 100% करेक्ट है, ये डेफिनेशन जो है 9th क्लास तक चलता है, ठीक है ना, दोनों 12th लेवल पे सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है सुनो, सॉल्वेंट इज द सबस्टांस विच डिजॉल्व द अदर सबस्टांस एंड डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन की क्या होती है फिजिकल स्टेट डिफाइन करती है। अब बताओ ये जो बना है सॉल्यूशन वो भी तो लिक्विड ही है ना, क्यों, क्योंकि लिक्विड कौन है, तो वाटर की वजह से तो आ रहा फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, तो हम यहां पर अब क्या करने वाले हैं, सॉल्वेंट की डेफिनेशन को ना वो करने वाले हैं, क्या इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना, लिखो सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट एग्जांपल भी आप लोग छाप लेना, ठीक है ना, सब कुछ ऐसे ही, द सॉल्वेंट इज द सबस्टांस विच डिजॉल्व द अदर सबस्टांस सबस्टांसेस एंड डिफाइन
एंड डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। यानी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जो होगी सॉल्वेंट से निकल के आती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। लिखो इसको, देखो इसके बाद में आप यहां बताना क्या आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं ले रहा हूं वाटर और वाटर में डिजोल्व कर रहा हूं एल्कोहल। ये तुम पहली बार पढ़ोगे पक्का, गारंटी से। और अब क्या बन गया सॉल्यूशन, क्या बन गया। ये भी मेरे पास 250 ml है और ये भी 250 ml है। अब जब दोनों कंपोनेंट अमाउंट में इक्वल हो गया और दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम हो गया, तब तो ये भी फेल हो गया डेफिनेशन, और जो ऊपर लिखा था फेल नहीं हो गया। अब बताओ कौन होगा सॉल्यूट, अब कौन होगा सॉल्वेंट। अब यहां पर वाटर नहीं होगा, एल्कोहल भी हो सकता है, वाटर मतलब कोई भी हो सकता है। यहां पर कौन होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, किसके नंबर। अब ये टर्म आएगा वेपर प्रेशर, क्या आएगा वेपर प्रेशर। इस पर तो पूरा चैप्टर ही टिका हुआ है, जहां से क्वेश्चन भी बोर्ड में आएगा। और एक टर्म आता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना आपको आना चाहिए, आता निकालना, ठीक है। अगर ये आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है ना। द सबस्टांस विच हैव, द सबस्टांस विच हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स इन, मोर नंबर ऑफ मोल्स कह लो, मोल्स और वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। मोर और नंबर ऑफ मोल्स और वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन विल बी सॉल्वेंट, विल बी सॉल्वेंट, विल बी सॉल्वेंट, और वो हमारा कौन होगा फिर सॉल्वेंट होगा। समझे आप लोग। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। हुआ क्लियर। तो जिसके क्या होंगे वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे या फिर नंबर मोल्स, वो होगा कौन। तो ये 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है जो सबको पता नहीं होता, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 के नीट में था क्वेश्चन ये, विच विल बी द सॉल्वेंट इफ द अमाउंट ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इज सेम। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो लिक्विड वेपर बन सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं वोलेटाइल, तब कौन होगा सॉल्वेंट। तो ये 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तब हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, या फिर जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसे कॉपी करो फिर बढ़ते आगे, है ना। देखो इसके बाद में क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म, लिखो हेडिंग कंसेंट्रेशन टर्म, कंसेंट्रेशन टर्म, ये क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म। ये हमारा टॉपिक है अगला। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को जो टर्म बताता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। तो लिखो द टर्म, द टर्म विच टेलस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट
इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा मास बाय मास परसेंटेज। सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा? मास बाय मास परसेंटेज। अपन इसको W बाय W परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहां पर इसका फॉर्मूला याद करना बड़ी बात नहीं, सबको याद होगा। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इसका मतलब पता है नहीं है। जब भी हम कभी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को चेक करते हैं तब हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, यानी द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, वो हमको ये बताएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, बहुत ही लॉजिकल चीज आपको मैं बताऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं आज उसके लिए ना। लेट भाई, मान लो हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, कोई उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना हमको नहीं पता, हमको मान लो W ग्राम, हम लोग मास को दिखाएंगे W से, ठीक है ना। तो लेट मतलब मान लो W ग्राम कौन है, ये सॉल्यूट है, W ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है ना। W के नीचे ना क्या बोलते हैं, सो बेस बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मैंने सॉल्यूट छोटा सा, ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर सके कि W मतलब मास है, सॉल्यूट का है और ग्राम में है, किसमें। तो W ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू, नहीं हमको नहीं पता, ओ ये गलत कर, ये मत लिखो इधर, ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला। लेट हो गया मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास मान लो W ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास हो गया ग्राम में, W ग्राम क्या है सॉल्यूशन कंटेन मास ऑफ सॉल्यूट, W ग्राम सॉल्यूशन कंटेन मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो W ग्राम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल मास कितना है W ग्राम, किसका सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम मास किसका है सॉल्यूट का, है कि नहीं भाई। ऐसा मान लो 500 ग्राम कौन है, नमक पानी का घोल है, और उसके अंदर मान लो 500 ग्राम नमक पानी के घोल में 10 ग्राम नमक होगा, 10 ग्राम तो यहां तो हमको मालूम है 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम मास ऑफ नमक यानी कि सॉल्यूट, ऐसे ही हमको यहां पर पता नहीं है ना, तो हमने W ग्राम मान लिया है। W ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है बताओ, तो बताओ 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा। अगर W ग्राम में इतने ग्राम सॉल्यूट है तो 1 ग्राम, ध्यान रखना यहां आपको समझना है, 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, देख बच्चे, अगर W ग्राम में W ग्राम सॉल्यूट है तो हमको 1 ग्राम में कितना मिलेगा, ये अपॉन में जाएगा नीचे, तो W ग्राम किसका सॉल्यूट का ग्राम हो गया, और W ग्राम कौन आ गया नीचे, ये भी ग्राम में था, यूनिट क्या हो गया कैंसिल आउट। बताओ W बाय W किस में नापते हैं, 100 ग्राम में। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम कौन है सॉल्यूट है ना, तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, हमें इन 100 ग्राम
सॉल्यूशन कंटेन मास ऑफ सॉल्यूट 100 से इंटू कर देंगे इसमें ओनली, है कि नहीं, 100 से इंटू, तो W सॉल्यूट हो गया अपॉन W सॉल्यूशन, है ना, और इंटू क्या कर दूं, ये 100 परसेंटेज की वजह से नहीं आता है, ये 100 100 ग्राम की वजह से आता है, 100 ग्राम की वजह से। अब क्योंकि परसेंटेज में भी 100 आता है तो हम बोल देते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंट। अगर कोई कहता है कि यहां पर 100 परसेंटेज की वजह से आ रहा है तो गलत कह रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि 100 की वजह से परसेंटेज आ रहा है तो ठीक कह रहा है। समझ में आया, यानी कि हम पिता से हैं, पिता हमसे नहीं है, क्योंकि हमको पिता ने पैदा करा है ना कि हमने पिता को, ठीक है ना, ये इतना बड़ा उल्लंघन हो जाएगा कि हम माता पिता से हैं, हमसे माता पिता नहीं है, ऐसे ही 100 से परसेंटेज है ना कि परसेंटेज से 100 है, ठीक है ना, ऐसा 90% लोग यही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, W बाय W परसेंटेज का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो W बाय W परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू बनकर आता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। समझ आया तेरे को, है ना। अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करके लिखूं डिटेल में तो लिखूंगा मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि W बाय W परसेंट, तो मैं इसको लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखूंगा बताओ, 100, ठीक है ना। तो आपको ये पहले से रटा हुआ था, है ना, याद भी तुम लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन आया कहां से, कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। 100 ग्राम के अंदर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, लिखो इसको, फिर हम इसका कुछ एग्जांपल से भी देखते हैं, ठीक है ना। देखो अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो 20% 20% मत लगाओ, 20% W by W NaOH है। इसका मीनिंग क्या है बताओ, इसका मीनिंग मालूम है आप लोगों को, 100 ग्राम बताओ क्या लिखूं, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है, इसने आपको इतना इंफॉर्मेशन दे दिया है, अगर हमसे कोई पूछेगा मास ऑफ सॉल्यूट, अगर यहां पर मैं एक्वस कर दूं तो अपने आप समझ जाओगे पानी में घुला हुआ है, तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया, 20 ग्राम। अब बताओ सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, 100 ग्राम हो गया ना, गलत, 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है ना, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूट माइनस क्या होता है सॉल्वेंट, 20 करो कितना आएगा, 80 ग्राम, कितना आएगा, सॉल्वेंट 80 ग्राम होगा, ठीक है ना। अब एक बात, एक टॉपिक, एक लॉजिक और ध्यान रखना कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के, लेकिन ये तब भी वैलिड है जब सॉल्यूशन हो कैसा हो, आइडियल, ठीक है ना, वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है ना, ये कॉपी करो फटाफट से। चलो क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग, है ना, देख एक जोरदार क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है ना। सपोज करो 20 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 240 ग्राम वाटर, फाइंड द W बाय W परसेंटेज,
डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो ये तो है, ये तो कोई भी कर देगा, गली का बच्चा बच्चा कर देता है। तो डब्ल्यू सोल्यूट बताओ कितना है, 20 ग्राम हो गया, और डब्ल्यू सोलवेंट कितना है बेटा, 240 ग्राम है, पानी है ना वो, डिजोल्व इन 240 ग्राम वाटर है ना, वाटर हो गया। तो हमको मास ऑफ क्या सॉल्यूशन चाहिए, क्यों चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि W बाय W परसेंट क्या होता है बताओ, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको मास ये सॉल्यूशन का, इसमें देश तो नहीं रखा है, तो इसका मास कितना होगा बताओ, 240 ग्राम प्लस 20 ग्राम तो 260 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसमें यहां पर सारे वैल्यू कर दो पुट, ये तो हलवा है बनाया हो तो अपने खा लिया, कितना हुआ देखो, 20 ग्राम ऊपर लिखा, 260 आपने कहा लिखा नीचे, इनटू कितना 100, ये जीरो ये मर गया, तो यहां आपको मिलेगा 200 अपॉन कितना 26, ठीक। अब इसको डिवाइड करना है भाई, कितना आएगा डिवाइड, डिवाइड करने पर कितना आएगा, मैं एक मिनट डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो डिवाइड करने पर इसमें आएगा आपका, आपको तो खुद ही करना है घर पे, यहां तो मैं टाइम को ना बचाने के लिए कर रहा हूं डिवाइड, 200 डिवाइडिंग बाय 26, ये आपका आएगा 7.69% ठीक है ना, 7.7 आप कह सकते हो, ठीक। ये आया, ये था आसान क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड लेंगे, ठीक है ना। इतना करो कॉपी में, क्वेश्चन लिखता हूं इस पर। क्वेश्चन ये है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 70% W by W, 70 मत करो भैया ज्यादा हो जाएगा, 35% W by W ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1200 या कह लो 1.2 kg, 1.2 kg, then calculate the amount of solute, का अमाउंट पता करना है आपको, सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, करो इसे क्वेश्चन कॉपी करो फिर करते हैं, ठीक है भाई। तो इसका ना जो सॉल्यूशन है वो घर से ट्राई करना, फिर अपन लोग इसको अगले क्लास में करते हैं, ठीक है ना, पहले आप ट्राई करना एक बार, ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।